अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और स्टडीज़ भी काफ़ी बेहतर जा रही होंगी। अच्छा भी बच्चों, आज जो है वो हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे हैं क्लास 9 के। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? अ बस इज मूविंग ऑन अ रोड। एक बस है आपके पास, ठीक है, ये आपकी बस है जो कि एक रोड के ऊपर मूव कर रही है। ठीक है, कितनी वेलोसिटी के साथ? उसकी वेलोसिटी है मूव की 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो यहाँ पे आपको गिवन है, इस वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रही है। ये एक्सेलरेट होती है, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सही है, आपको क्या मालूम करना है? ये इन्होंने आपको VI दिया हुआ था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी। आपने इसकी फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है आफ्टर 6 सेकेंड्स। ये आपके पास टाइम है। सबसे पहले आपने डाटा में सारी चीज़ें पुट करी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोशन ऑफ इक्वेशंस हमारे पास 3 होती है। ठीक है, कौन कौन सी? VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT, 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर। इसके अलावा क्या कहते हैं, और कौन सी होती है आपके पास? VIS इज इक्वल्स टू VIT हाफ AT स्क्वेयर। ठीक है, अच्छा ये वाली इक्वेशन हम क्यों नहीं लगा रहे? इसे नहीं लगा रहे क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, तो ये नहीं लगेगी। ठीक है, ये वाली क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है जो इसके अंदर नहीं आ रही, तो ये भी नहीं लगेगी। तो हम कौन सी लगाएंगे? ये इक्वेशन। डेटा पुट करें, VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT। सही है, VI की जगह पर आपने क्या लिखा? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 15। एक्सेलरेशन कितनी है? 5। टाइम कितना है? 6। ठीक है, अच्छा जी, 5, 6, 30, 15 और 30 को ऐड करेंगे 45 मीटर पर सेकेंड। आपके पास क्या आ जाएगी? इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अच्छा याद रखिएगा, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और VF जो है ना, वो इस तरह से दिखेगा आप लोग। ठीक है, अच्छा जी, अगर कोई बच्चा उर्दू मीडियम का लेक्चर देख रहा है तो देखिए बेटा, मैं समझा तो इसे उर्दू में ही रही हूँ ना, भले से मैं सवाल आपका रीड इंग्लिश में कर रही हूँ, लेकिन ये सवाल मैं समझा तो उर्दू में ही रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को मेरा नहीं ख्याल कि कोई डिफ़िकल्टी आनी चाहिए। सही है, आप लोगों का क्या होता है? देखें, आप लोग कैसे पढ़ते हैं कि एक बस है वो कितनी रफ्तार से मूव कर रही है? 15 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मूव कर रही है। इसकी इसरा कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने इसकी रफ्तार मालूम करनी है कितने सेकेंड्स के बाद? कितना वक्त दिया हुआ आपको? 6 सेकेंड के बाद। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको इसमें डिफ़िकल्टी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, पूरी बुक से कंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है, एक बॉल है। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग ग्राउंड? एक बॉल है, ठीक है, जिसको उछाला गया है। अब आप लोग उर्दू में उमूदी इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, बट मैं अब नॉर्मली आपको बता रही हूँ, एक बॉल है जिसको बल्कि फेंका गया है। ठीक है, कितनी हाइट से? 50 मीटर की। देखें, ये एक टावर है, 50 मीटर इसकी हाइट है। इस टावर की हाइट कितनी है? 50 मीटर। इसकी इस हाइट से यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है जिसने क्या किया? इस बॉल को फेंका नीचे। आपने बताना है कि इसको ग्राउंड तक आते आते इस बॉल को कितना टाइम, कितनी जो है इसकी क्या वेलोसिटी होगी ग्राउंड तक आते आते, यानी कि ग्राउंड पे लगने से पहले, ज़मीन पे लगने से पहले इसकी वेलोसिटी, इसकी रफ्तार क्या होगी। ठीक है, हाइट आपको पता है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अगर एक हाइट पर से कोई शख्स बॉल को नीचे फेंकता है, ठीक है, तो ऐसी बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी की कोई ना कोई मिकदार होती है। अब वो क्या मिकदार होती है वो अभी हम निकालेंगे, लेकिन अगर ये एक हाइट है और एक शख्स नीचे खड़ा हुआ है और अब ये इस बॉल को कहाँ पे फेंकता है? ऊपर की तरफ फेंकता है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी की कोई ना कोई मिकदार होगी। ठीक है, लेकिन फ़ाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी? इसकी फ़ाइनल वेलोसिटी 0 होगी। ये फ़र्क है, फ़र्क याद रखिएगा आप लोग। ठीक है,
अच्छा भाई बच्चों, अब मैं आपको ये एक रीज़न दे रही हूँ, आप सबने मुझे कमेंट में बताना है कि अगर हम बॉल को ऊपर से फेंक रहे हैं तो हमने उसकी इनिशियल वेलोसिटी को, पहली रफ्तार को क्यू ज़ीरो लिया, और अगर हम किसी को बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर की जानी को छाल रहे हैं, तो उसकी हमने फाइनल वेलोसिटी को ज़ीरो क्यों लिया। ये आपने मुझे दो रीजंस के आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं, और अगर इन केस आपको इसका आंसर नहीं आता तो आप हमें मुझे बोलेंगे कि मैम आप हमें ये रीज़न समझा दें, क्योंकि बोर्ड में आपसे ये रीज़न पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़ देखें, जब कोई चीज़ आप ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो चीज़ ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ खिंचती है, ठीक है। फिजिक्स में क्या हुआ था, न्यूटन जनाब दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, ये दरख्त था सही, ये सेब का दरख्त था, ये समझ रहे हैं इसके ऊपर सेब थे मौजूद, यहाँ पे बैठे हुए थे न्यूटन, सही है। अब हुआ ये कि सेब जो था ना वो नीचे गिरा ज़मीन पर, इन्होंने देखा, इन्होंने कहा यार ठीक है दरख्त से सेब टूटा, लेकिन टूटने के बाद नीचे क्यों गिरा, ऊपर आसमान पे भी तो जा सकता था, हवा में भी तो रह सकता था, ज़मीन पर ही क्यों आया। तो इसका आंसर था ड्यू टू ग्रेविटी, कशिश शकल जिसको कहते हैं, उसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से ये कहाँ पे आके गिरा, ज़मीन पे आके गिरा। और एक बात याद रखिएगा, ये रीज़न देखो मैं आप लोगों को ये न्यूमेरिकल्स इतने डिटेल में इससे समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को रीजनिंग का भी आंसर आए। हम लोग जो ज़मीन पर पाँव रख कर चल सकते हैं, मतलब अगर ये है ज़मीन अर्थ, ठीक है, और ये है मून, एक शख्स जब मून में जाता है ना तो वो हवा में ही रहता है, वो मून पे पाँव नहीं रख पाता, ऐसा होता है। आपने कभी अगर एस्ट्रोनॉट्स को देखा हो तो ऐसा क्यों होता है, इसलिए क्योंकि ज़मीन पे एक ग्रेविटी मौजूद है जो उस शख्स को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। आप अगर जंप लगाते हैं, आप अभी उछल के देखें, आप फ़ौरन से ज़मीन की तरफ दोबारा आएंगे, ठीक है। आप छत पर जाएं, मैं आपको धक्का दूंगी, ठीक है, आप लोग देखिएगा आप ज़मीन की तरफ गिरेंगे, आप आसमान पे नहीं जाएंगे, आप ज़मीन पे गिर जाएंगे, ठीक है, ट्राई कर लेंगे कभी। अच्छा जी, लेकिन अगर आप चाँद पर हैं तो वहाँ पे चूंकि ग्रेविटी इतनी मौजूद नहीं है, वहाँ ग्रेविटी का कोई नामो निशान नहीं है, तो क्या होता है कि वहाँ पर जो है पर्सन जो है वो चाँद पर अपने कदम जमा नहीं पाता। तो इसी वजह से जब कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई बॉल जो है, या कोई भी चीज़ जो है जिसको आप ऊपर से नीचे फेंकेंगे, तो ज़ाहिर है वहाँ पे कोई ना कोई तो ग्रेविटी की वैल्यू होगी ना, वो मकदार कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो इस बॉल को अपनी तरफ खींचेगी। तो हमारे पास ये हमारा बन गया डेटा। अगेन हमारे पास तीन फार्मूले होते हैं, कौन कौन से, VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT। ये फार्मूला हम क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें हमारे पास टाइम चाहिए और टाइम हमें यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। दूसरा फार्मूला हमारे पास होता है S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये भी नहीं लगेगा क्योंकि हमें वक्त चाहिए और वक्त हमारे पास नहीं है। तीसरा फार्मूला जो हमारे पास होता है 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ये लग सकता है। अब आप बोलेंगे मैम डिस्टेंस नहीं है हमारे पास और ना ही एक्सेलरेशन है, तो देखे बेटा अगर हम लोग ज़मीन पर, यानी कि यहाँ पे एक शख्स मौजूद है, ये ज़मीन है पहली बात तो, ठीक है, ये एक शख्स मौजूद है, अगर ये शख्स ज़मीन पर यहाँ से यहाँ जा रहा है, इस तरफ मूव करके यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, बी पॉइंट पर आ रहा है, सही है, ए से बी की तरफ आ रहा है, तो ये इसने क्या तय किया, ये इसने फासला तय किया जिसको हम डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ और उस पर्सन के लिए जिसने फासला तय किया ना, जो एक जगह से दूसरी जगह गया है, ए से बी की तरफ गया है, उसके लिए एक तो डिस्टेंस होगा और दूसरी चीज़ एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। लेकिन अगर एक चीज़ किसी हाइट से नीचे की तरफ फेंकी जा रही है तो उसके लिए जो फासला होगा ना, उसको हम हाइट कहते हैं, उसको हम डिस्टेंस नहीं कहते, उसको हम हाइट कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, वो जो चीज़ जो उसको ज़मीन की तरफ ला रही है, तो उसको हम एक्सेलरेशन नहीं कहते, उसको हम ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो फार्मूला है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, इसमें हम लोग 2 को एज इट इज रहने देंगे, A की जगह पर क्या लिखेंगे, G, और S की जगह पर H, और उसके बाद VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ये आपके पास ये फार्मूला इसमें लगेगा, ठीक है। कैलकुलेशन करें, वैल्यूज़ को पुट करें, आपके पास क्या कहते हैं, ग्रेविटी की वैल्यू क्या थी, ऊपर डाटा में देखें 10 थी, आपने यहाँ पे 10 लिखा, आपके पास हाइट की वैल्यू कितनी है, हाइट आपको कितनी दी हुई, 50, आपने वो लिखी, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है, 0, तो आपने 0 लगा दी, ठीक है।
ज़ीरो का स्क्वायर क्या होता है, अगर ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दें क्या आएगा, ज़ीरो, तो हमने यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया। दूसरी चीज़, टू टेंजा, टू को टेन से मल्टीप्लाई करें और फिर फिफ्टी से मल्टीप्लाई करें, टू टेंजा ट्वेंटी, ट्वेंटी को फिफ्टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा थाउजेंड। ठीक है, करके देख लें भले से, ये फिफ्टी है, ये ट्वेंटी है, ज़ीरो ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो फाइव ज़ा ज़ीरो, टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, टू फाइव ज़ा टेन, हो गया। देखिए हज़ार की मिकदार बन रही है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इन इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, थाउजेंड, थाउजेंड प्लस ज़ीरो क्या आ जाएगा, थाउजेंड। एक चीज़ जो यहाँ पर नहीं है, बल्कि रुका, वो हम लास्ट में लगाते हैं यूनिट। अब देखें ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, वी एफ स्क्वायर की। क्या मुझे वी एफ स्क्वायर चाहिए था? नहीं, मुझे क्या चाहिए था, वी एफ, मुझे वी एफ की मिकदार चाहिए, वी एफ स्क्वायर की नहीं चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी, टेकिंग स्क्वायर नहीं, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लिखना जो इस तरह का होता है, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ पे स्क्वायर रूट ले लें, वी एफ स्क्वायर से, यानी कि इसके जो वी एफ है इसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इसको ऊपर स्क्वायर रूट लिया थाउजेंड, इसको कैलकुलेटर में डालें, आंसर क्या आएगा, 31.6 मीटर पर सेकेंड। गेटिंग, तो ये हमारे पास तरीका था दूसरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। सही है, जो मैंने आपको इसके अंदर बेटा असाइनमेंट के तौर पे सवाल दिया उसको सॉल्व करें, जो चीज़ नहीं समझ आती वो मुझसे पूछें। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ अ बॉडी इज़ थ्रोन अपवर्ड, मतलब एक बॉडी है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, ठीक है, विद वर्टिकल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी के साथ, 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ, मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसको आप ऊपर फेंक रहे हैं कितनी वेलोसिटी के साथ, 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। तो मैंने आपको बताया था जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी की कोई ना कोई वैल्यू होती है, लेकिन उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो। तो हमने लिख दिया फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच, हमें क्या बताना है, हमें मैक्सिमम हाइट बतानी है जहाँ तक बॉडी पहुँच सकती है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो यकीनन ग्रेविटी तब भी होगी, ग्रेविटी उसको ऊपर नीचे खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन चूंकि हमारी फोर्स ज़्यादा थी तो बॉडी जो है वो अपवर्ड जाएगी, सही है। तो ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, -10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे माइनस में लिखिएगा आप अपनी वैल्यू को, सही है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं ना तो ग्रेविटी हमारे पास माइनस में आती है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फेंका जाता है तो ग्रेविटी पॉजिटिव 10 आती है, ठीक है। अच्छा जी, फॉर्मूला है 2GH इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। कैलकुलेशन करनी है, सबसे पहले आपने इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट करना शुरू करें, आप 2 तो आपके पास न्यूमेरिक है वो तो एज इट इज रहेगा, और ग्रेविटी की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, -10, ठीक है, जो हमने पुट कर दी है आपने, सही है। एच हमारे पास अभी हमें मालूम करना है, ज़ीरो हमने क्या करना है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, ज़ीरो, तो हमने ज़ीरो लिख दिया, और इनिशियल कितनी थी, 30, तो हमने लिख दिया। टू टेन ज़ा 20, -20 एच, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो ही होता है, और 30 का स्क्वायर, 30 को 30 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा आपके पास, 900, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 900, ज़ीरो में से माइनस करें 900 को, क्या आंसर आएगा, माइनस का 900। ये 20 एच, ये -20 है, इस एच से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं इस -20 को इक्वल टू के दूसरी तरफ लेकर जाऊँ तो ये इस 900 से क्या होगा, डिवाइड। तो यहाँ पे आप देखिए -20 से क्या हो रहा है, डिवाइड। सबसे पहले माइनस से माइनस को कट कर दें, फिर ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, 2 अंदर 2, 2 फोर ज़ा 8, 1 यहाँ गया, 2 फाइव ज़ा 10, आंसर क्या है, 45 मीटर, ठीक है। जिन बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक हैं मैं उन्हें यही रिकमेंड करूँगी कि अभी बेटा पेपर्स में बहुत टाइम है, आप लोग प्रैक्टिस करें। बहुत औकात ये होता है कि कुछ जो हमारे पास इदारे होते हैं ना, जैसे कि आपके जो कहीं कुछ जगहों पे बोर्ड लगता है वहाँ पे लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपको कैलकुलेटर अलाउ ही नहीं करते, सही है। बहुत औकात ऐसा हो जाता है, अब एट दैट टाइम आप किसको कंप्लेन करेंगे, आप हमें बताएं, किसी को नहीं कर सकते, आप बोर्ड को बता ही नहीं सकते कि फलां टीचर था अच्छा। अगर पेपर हो गया आप उसके बाद भी अगर कंप्लेन कर दें तो कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो पेपर आपका दोबारा नहीं होगा, ये पेपर वर्ल्ड वाइड वो पूरी आपकी जो है वो कराची में हो रहे हैं, तो कराची में सबके हो रहे हैं, कराची वाइड सबके चल रहे हैं,
सही है। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि एक बच्चा जिसका पेपर रह गया हो उसको दोबारा दिलवाया जाए। अक्सर बच्चे बीमारी की वजह से पेपर नहीं दे पाते तो उनको एब्सेंट डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद फाइंड द मोमेंट ऑफ बॉडी ऑफ मास। आपसे क्या कहा गया, आपको क्या मालूम करना है, मोमेंट। ये मोमेंट नहीं है, मोमेंटम है, ठीक है। मोमेंटम, मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। देखो हर चीज़ का कोई ना कोई सिंबल होता है, तो मोमेंटम का सिंबल क्या है, पी। जैसे वेलोसिटी का सिंबल क्या है, वी, ठीक है, इसी तरह से। अच्छा जी, आपको मोमेंटम मालूम करना है, बॉडी का मास कितना है 6 kg और वेलोसिटी कितनी है 25 m/s। आपने सबसे पहले डाटा बना लिया, फॉर्मूला लगता है पी इज इक्वल्स टू एम वी। आपने एम की वैल्यू डाली, क्या है एम की वैल्यू 6, ठीक है। वी की वैल्यू क्या है 25, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया 150 kg/s, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है अ फोर्स ऑफ 3400 newton। आपको कितनी फोर्स दी गई है, 3400 newton की फोर्स दी गई है। आपसे कहा गया है कि इसको एक बॉडी पर लगाया जा रहा है, ठीक है, जिसका मास कितना है, जिसका मास है 850 kg, यानी कि आपको फोर्स गिवन है, ठीक है, आपको मास गिवन है। आपसे क्या कहा गया है, फाइंड द एक्सेलरेशन, क्या मालूम करें, एक्सेलरेशन मालूम करें प्रोड्यूस बाय द फोर्स, जो कि फोर्स प्रोड्यूस कर दे, यानी कि एफ इज इक्वल्स टू एम ए। आपने यहाँ पर क्या करना है बेटा, देखा आपके पास फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। मालूम क्या करना है, एक्सेलरेशन, तो एम ए से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, उधर ले जाइए, क्या हो गया, एफ अपॉन एम इज इक्वल्स टू ए। ऐसे ही ये देखें, यहाँ पर ये चीज़ लिखी है। अब आप ए को इस तरफ लिख दें, एफ अपॉन एम को इस तरफ लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एफ की वैल्यू क्या है, 3400, और एम की कितनी है, 850, आपने वो पुट कर दी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे इसी तरह से पुट की गई है जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था। अब आप इसको काटना बीटना शुरू कर दें, 0 से 0 कटा, अभी 5 पर टेबल लगा दें आप, ठीक है। आप कैलकुलेटर के थ्रू कर लें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 4 m/s², ठीक है। अच्छा भाई, अगला देखें, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है आपके पास 60 kg, कितना वजन है उसका 60 kg, ठीक है। और आपसे कहा गया है कि आप उसका वेट मालूम करें। देखिए एक ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आपका वेट है 60 kg, ठीक है। अगर आप ज़मीन पे खड़े हैं तो आपका वज़न कितना होगा, आप चाँद पर चले गए तो आपका वज़न कितना होगा, आप मार्स पर चले गए तो आपका वज़न कितना होगा। अज्यूम द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, क्या अज्यूम करें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ कितनी है, 9.8 m/s². एक्सेलरेशन अर्थ पे कितनी होती है, 9.8 m/s², या हम 10 m/s² भी कह सकते हैं। एक्सेलरेशन के लिए दोनों वैल्यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 9.8 को अगर राउंड ऑफ कर दें तो वो 10 ही हो जाता है। चांद के ऊपर कितनी होती है एक्सेलरेशन, 1.6 m/s², और मार्स पे कितनी है, 3.7 m/s², सही है। अब हम वन बाय वन हर जगह पे मालूम करेंगे कि आप अगर ज़मीन पर हैं तो आपका वज़न कितना हो जाएगा आपके वेट में, और चेंजिंग्स आती हैं बेटा, हम लोग डिफरेंट प्लैनेट्स पे मूव करते हैं ना, तो वहाँ पे ग्रेविटी का ना होना या ये सारी चीज़ें ना बहुत बड़ी वजूहत बनती हैं डिफरेंस आने की वेट में, ठीक है। सबसे पहले आपने डेटा बनाया, अब आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है ज़मीन के ऊपर, सबसे पहले आपने डाटा क्या बनाया कि भाई मास इतना है, ज़मीन पे ग्रेविटी इतनी है और वेट हमें मालूम करना है। फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू जी। आपको बता है आपका मास कितना है 60 kg, और ग्रेविटी अभी ऊपर आपको बताया था ज़मीन की कितनी होती है, 9.8, 60 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ गया वेट, 588 newton, इतना वज़न आपका होगा किस पर, ज़मीन पर। अब अगर हमने चांद पर देखना है, अब हम लोग ग्रेविटी मालूम कर रहे हैं किसके ऊपर, चांद के ऊपर, हमने अगेन फार्मूला लिखा, हमने यहाँ पे क्या लिखना है भाई, एम की वैल्यू है 60 और जी की वैल्यू क्या है 1.6, दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आ जाएगा, 96 newton, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद अगला देखें, मार्स पे मालूम करना है, तो अगेन ग्रेविटी की वैल्यू की जगह पर यहाँ इसकी ग्रेविटी की वैल्यू क्या आएगी, जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, 3.7, उठ गई और आंसर आ गया 222 newton। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज़्यादा आपका वेट कहाँ पर हुआ, अर्थ पर, मार्स पर या मून पर, तो आप बोलेंगे सबसे ज़्यादा वेट हमारा था अर्थ पर, और सबसे कम वेट आपका कहाँ था, मून पर, देखे ना, 96 newton।
इंतहा से ज़्यादा कम वेट, ठीक है। अच्छा जी, मूविंग टूवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। अ कार इज रनिंग, एक कार है जो चल रही है ऑन अ सर्कुलर पाथ, एक गोल दायरे पर। मैं देखें इस तरह से, ये है आपके पास एक सर्कुलर पाथ, इसके ऊपर आपकी कार है जो कि चल रही है, सही है। अच्छा भाई, हाँ, हैविंग अबाउट 100 meter रेडियस, रेडियस कितना है इसका, 100 meter है, सॉरी 1000 meter है, सही है। द मास ऑफ कार 60 kg, कार का वजन कितना है 60, और कितनी स्पीड से जा रही है 72 km/h के। क्या मालूम करनी है, सेंटीपिटल फोर्स जो कार एग्जर्ट कर रही है, इसके अलावा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, दो चीज़ें मालूम करनी है। डाटा बनाए, रेडियस आपको गिवन है, मास गिवन है, वेलोसिटी आपको किस में गिवन है बेटा, 72 km/h पर। लेकिन देखें, किलोमीटर पर आर जो है ना, इसको कन्वर्ट कर दें किसके अंदर, इसको कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड के अंदर, क्योंकि यही हमारे पास वेलोसिटी का एसआई यूनिट होता है, ठीक है। हर चीज़ का एक एसआई यूनिट होता है, हमें अपने आंसर एसआई यूनिट में ही देने होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है, अगर आपने, मैंने आपसे अगेन कहा था अगर आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आती तो आप मुझे सीख सकते हैं। अब देखें मेरी बात सुने, आपके पास क्या है, बातों और से समझिएगा, 72 किलोमीटर और पर आर, यानी कि आर ऐसे नीचे मैंने लिखा 72, किलो की वैल्यू क्या होती है, कि मैंने प्रीफिक्स में आप लोगों को बताया था इसकी वैल्यू होती है 1000, ठीक है। 1000 कह लें या 10^3 कह लें, एक ही बात है। अपॉन आर, एक घंटा, एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं बेटा, कैसे पता चलेगा, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60, और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आ जाएगा, 3600। तो आपको पता है कि एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600, लिख दिया। अब उसके बाद 2 0 से 2 0 कटें, ठीक है, और अपना टेबल लगाना शुरू कर दें। 2 1 2, 1 आ गया, 2 8 16, 2 5 10, 2 9 18, 2 3 6, 1 आ गया, 2 6 12, उसके बाद 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 6 12। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको क्लियरिफाई करें, इसका आंसर आपके पास 20 meter/s आ रहा है, 30 meter/s आ रहा है, देख लेगा कि मेरी, एक दफ़ा मैं अगेन चेक कर लेती हूँ कि मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक है क्या है। 2 0 से भाई 2 0 कट गए, 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10, उसके बाद 2 9 18, 2 3 6, ओके, 2 6 12, उसके बाद 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6, अगेन 3 1 3, और 3 4 12, ओके, यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी थी, 4 5 ज़ा, आपके पास क्या हो गया, 4 5 ज़ा 20 meter/s, ठीक है, 20 meter/s आपके पास आंसर आ रहा है। आपने क्या मालूम करनी है, सेंटीपिटल फोर्स जिसको हम लोग लिखते हैं FC, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जिसको हम लिखते हैं AC, ठीक है। सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, FC इज इक्वल टू mv² / r, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास, हमने क्या करना है, हमने फार्मूला लिखा, अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना शुरू करेंगे, ठीक है। मास की वैल्यू क्या है 600, वेलोसिटी की क्या है 20, और आर की क्या है 1000, ठीक है। इसको पहले तो 20 के स्क्वायर की वैल्यू निकालें, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिख देंगे, फिर उसको 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, ऊपर वाली फिगर के मल्टीप्लाई होने से 24 and 4 = 240,000, 40,000, ठीक है। अब भाई देखिए, 3 0 से 3 0 कट गए, आंसर क्या आया, 240, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, सेंटीपिटल फोर्स। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, आपके पास सेंटीपिटल फोर्स जो है वो किसके इक्वल है, FC इज इक्वल टू, देखें अगर मैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करूँ तो मेरे पास फार्मूला क्या होता है, F = ma, ठीक है। आपको पता है कि F हमारे पास, अगर मैं सेंटीपिटल फोर्स की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, FC, और ये क्या हो जाएगा, AC, यहाँ पे ये चीज़ है, मगर इसको सही से लिखें, इससे थोड़ा सा साफ सुथरा नहीं लिखा हुआ, FC = ma, और C ऐसे छोटा सा आएगा, ठीक है।
अच्छा भाई, एफ सी का क्या वैल्यू होती है? एफ सी की वैल्यू आपको बताएगा, एफ सी की वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आपने एफ सी की जगह पे क्या लिख दिया? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम ए सी। इस एम सी के एम कट गया, ठीक है, ये क्या हो गया? वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू ए सी। ये आपका फॉर्मूला बन गया, ए सी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर की वैल्यू लिखे, वी की वैल्यू लिखे क्या है? 20, और स्क्वायर ऊपर आ गया, आर हमारे पास क्या है? 1000। 20 का स्क्वायर निकालने क्या आता है? 400। दो जीरो से दो जीरो कट गए, 2 2 4, 2 5 10, ये हो गया 2/5। कैलकुलेटर में डालें, 2.0 5 4 20, आंसर क्या आया है आपका? 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन बतानी हूँ, ए सी इन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है, आपने इसको सही करके लिखना है। ए सी आप कैसे लिखेंगे? ऐसे करके, इस तरह, ठीक है। ये जो है ना, ये हमारे पास इसका रिजल्ट है, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद अगला न्यूमेरिकल देखें। अ गार्डनर इज़ ड्राइविंग अ लॉन मूवर। देखिए, जिससे आप लोग घासों को काटते हैं ना, आप लोग तो नहीं, गार्डनर काटते हैं, ठीक है, तो वो उसको चला रहे हैं विद अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। कितनी फोर्स है? 80 न्यूटन की। डेट मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। देखो, ये समझो गार्डनर है, सही है, ये आपकी घासें हैं, इसके ऊपर ये गार्डनर एक क्या कहते हैं, ट्रैक चला रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और ये इस पर कितनी ताकत लगा रहे हैं? इस पर ताकत लगा रहे हैं 80 न्यूटन की, सही है। आपसे कहा गया है इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम करें और इसका वर्टिकल कंपोनेंट मालूम करें। यानी कि जब ये जो है गार्डनर, ये आपके पास लगा रहे हैं फोर्स, ये है आपका गार्डन और ये है आपकी मशीन, ठीक है। अब ये जो इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो एक फोर्स तो इनकी एक्स एक्सिस में लग रही है, ठीक है, एक फोर्स इनकी वाई एक्सिस में लग रही है, ठीक है। आपने दोनों मालूम करनी है, इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, आपने एफ बाय साइन थीटा आपने मालूम करना है। सबसे पहले देखें क्या फार्मूला होता है हमारे पास एफ एक्स निकालने का, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने का। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, आपने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ की वैल्यू क्या थी? 80। एंगल कितना है? 40। कॉस 40 को अगर आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.766, ठीक है। 80 को मल्टीप्लाई कर दें 0.766 से, ठीक है, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा 61.28 न्यूटन। ये आपके पास क्या है? ये है आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट को मालूम करने का फार्मूला होता है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। आपने एफ की वैल्यू डाली, ठीक है, एफ की वैल्यू आपके पास क्या होती है? एफ की वैल्यू आपके पास होती है 80 इज इक्वल टू साइन 40, ठीक है। साइन 40 की वैल्यू क्या आएगी? 0.642। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, आपके पास आंसर क्या आ गया? 51.423 न्यूटन। अच्छा जी, हमारे पास इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। अब अगेन देखें, आपसे कहा गया है एक ऑब्जेक्ट है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना है 4 न्यूटन, और अपना क्या कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट है 3 न्यूटन, ठीक है, और वर्टिकल कितना है? 3 न्यूटन। यानी कि एफ एक्स एफ वाई, आपको रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है, यानी कि एफ, इसका फार्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स स्क्वायर। इसको मैं सही से लिख के बता देती हूँ, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा भाई, आपने क्या करना है? एफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या थी? 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 3 स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर है, यानी कि अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ठीक है, क्या बचा पीछे? एफ इज इक्वल टू 4 प्लस 3, किसके इक्वल आता है? 7। तो 7 अच्छा, नहीं, दोनों पे अलग अलग नहीं लगेगा। ओके, देखिए स्टूडेंट, इन पे दोनों पे ओ सही, देखें मैंने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे प्लस है ना, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई में दोनों को अलग करते हैं, क्योंकि प्लस है तो ये एक ही रहेगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अगर मेरे पास यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो मैं इसे अलग करती, ठीक है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है।
अच्छा जी, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 प्लस 9 किसके इक्वल आ गया 25, 25 किसका स्क्वायर है बेटा 5 5 25, यानी कि 25 किसका स्क्वायर है 5 स्क्वायर का, तो मैं इसकी जगह क्या लिखूँगी 5 स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, ठीक है, क्या बचा हमारे पास 5, तो 5 न्यूटन हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ स्पैनर ऑफ 0.3 मीटर लेंथ, स्पैनर है जिसकी लेंथ कितनी है 0.3 मीटर है आपके पास उसकी लेंथ, सही है, और आपसे कहा गया है कि टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, टॉर्क की वैल्यू कितनी दी हुई है 300 न्यूटन मीटर, याद रखिएगा टॉर्क का यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर, भूलिएगा नहीं, अपने पास हर चीज़ के ना यूनिट्स वगैरह लिख के रखें, बोर्ड में अगर हम लोग यूनिट्स नहीं लिखते हैं तो एक मार्क्स इसका कट जाता है, आपने निकालनी है फोर्स, तो बेटा फार्मूला आपके पास टॉर्क का क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू एल, ठीक है। अच्छा जी, आपको निकालना क्या है, आपको फोर्स निकालनी है, एल को इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाए, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, तो आपने लिख लिया टॉर्क अपॉन एल इज इक्वल्स टू एफ, ठीक है, आपने टॉर्क अपॉन एल की वैल्यू पुट करी 300 और 0.3, इसको कैलकुलेटर में डालें आंसर आ जाएगा 1000 न्यूटन, अगर नहीं डालते तो मैं वैसे ही बता देती हूँ ये क्या है 300 मल्टीप्लाई बाय 0.3, अगर मैं इसका पॉइंट हटाती हूँ ना तो ऊपर आ जाएगा 1, इस पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, 3 1 3 3 1 3 और ये 0 ऐसे थे, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा 1000 न्यूटन, लेकिन उसके लिए आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। अब आप लोग के मुझे नहीं पता कि प्रैक्टिस क्या है, अगर नहीं अच्छी तो उसको कर लें, अभी भी 2 मंथ्स है हो जाएगी, ठीक है। और बेटा अब जो है ना ये टाइम होता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का, रिवीजन का, ये जो आपको न्यूमेरिकल्स करवाए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, आप लोगों ने सिर्फ करना ये है कि इन न्यूमेरिकल्स को बार 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 सॉल्व करना है, इसको अपने पास आज वीडियो को अच्छे से समझ लो, उसके बाद इन सब न्यूमेरिकल्स को अपने पास लिखो और इनको अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन सॉल्व करो, तो आप देखना आपका आराम से हो जाएगा अच्छे उसमें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखें नेक्स्ट है हमारे पास, आई स्प्रिंग हैज़ स्प्रिंग कांस्टेंट, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के कितना है 500 न्यूटन पर मीटर, व्हाट लोड इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 5 मीटर, क्या आपको जो है वो क्या कहते हैं लोड, आपको लोड मालूम करना है, मतलब कि फोर्स मालूम करनी है जो आपको चाहिए होगा कितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस करने के लिए 5 मीटर की, इसका फार्मूला होता है, देखिए के गिवन है एक्स गिवन है, इसका फार्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है। अच्छा जी, आपने के की जगह उसकी वैल्यू डाली 50 और एक्स की जगह उसकी डाली 5, मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया 250 न्यूटन। अगला देखें, कैलकुलेट द प्रेशर एट अ डेप्थ, आपको प्रेशर मालूम करना है, डेप्थ कितनी दी हुई है आपको 3 मीटर की स्विमिंग पूल की, स्विमिंग पूल है जिसकी डेप्थ कितनी है 3 मीटर, और स्विमिंग पूल का जो क्या कहते हैं प्रेशर वो आपने मालूम करना है, डेंसिटी पानी की कितनी होती है ये 1000 kg/m³, सही है। अच्छा भाई, अब आपने और ग्रेविटी तो आपको होता है 10 m/s होती है, इसका फॉर्मूला आपके पास होता है पी इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डेप्थ मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, ठीक है, आपने सबकी वैल्यूज पुट करी, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आ गया 30,000। अब आपने क्या करना है 30,000 है, पॉइंट को मूव करें, पॉइंट यहाँ पर है लास्ट में, यहाँ से आएगा 1 2 3 4, यानी कि 3.0 × 10⁴, चूँकि हमने राइट साइड से लेफ्ट साइड पर मूव किया है तो पावर हमारे पास पॉजिटिव आएगी, और प्रेशर का यूनिट होता है बेटा पास्कल, जिसको हम लोग PA लिखते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 33 देखें, अ बॉय इज डिगिंग, एक बॉय है जो डिग कर रहा है होल को विद स्पेड ऑफ 0.1 cm², कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन, अच्छा थोड़ा सा कट हुआ है हम देख लेते हैं, हमें एरिया दिया हुआ है इसके अंदर 0.1 cm और फोर्स दी हुई 1000 न्यूटन, और आपसे क्या कहा गया है आपने क्या मालूम करना है, आपने प्रेशर मालूम करना है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट कर लो किस में, मीटर स्क्वायर में, कैसे करोगे,
0.1 मल्टीप्लाई बाय 10^-2, ये किसकी जगह आ जाएगा आपके पास, सेंटी की जगह आ जाएगा। ठीक है, आपने ये वाली कैलकुलेशन अगर नहीं आई तो उसको छोड़ दें, आपने बस इसकी जगह पे क्या लिखना है, 0.1 मल्टीप्लाई बाय सेंटी की वैल्यू क्या होती है, 10^-2 मीटर स्क्वेयर, बस ये वैल्यू लिखें। अच्छा जी, प्रेशर का यूनिट हमारे पास क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमारे पास 1000 न्यूटन थी और एरिया की ये वैल्यू मैंने अभी निकाल के आपको दी है, आप इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू डालें, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10^-2, देखिएगा आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इन केस नहीं आता तो बता दीजिएगा, मैं फिर इसको अगेन सॉल्व करवा दूँगी आप लोगों को। अव्वल तो ये आ जाएगा क्योंकि मेरे पास अभी कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको श्योर कर देती कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम व्हाट मस्ट बी द सरफेस एरिया ऑफ अ पिस्टन। आपके पास एक सिस्टम है जो कि हाइड्रोलिक है, सही है, और आपसे कहा गया है कि आपने उसका सरफेस एरिया बताना है, सही है, और उसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहेगा, 300 kPa का, और फोर्स कितनी आएगी, 200 न्यूटन की। अच्छा जी, kPa हमारे पास क्या होता है, किलो पास्कल। ठीक है, किलो की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताया था 1000, तो आपने क्या लिखा, 300 × 1000 पास्कल, मल्टीप्लाई कर दे क्या आ जाएगा, 30,000। ठीक है, पास्कल की जगह पे आप लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये भी प्रेशर का एक यूनिट होता है। प्रेशर के बहुत सारे यूनिट है आपकी बुक में और आपको सारे याद होने चाहिए, एटमॉस्फेयर है, टॉर है, पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, आपने लिखा प्रेशर इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, आपने ए निकालना है, ए को इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाएं, ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय पी इज इक्वल्स टू एफ, अब पी को इस तरफ ले आएं, ये हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू एफ अपॉन पी। ठीक है, जो यहाँ पे हमारे पास हुआ है, सही है, आपने वैल्यू पुट करी, फोर्स की कितनी है 2000 और पी की कितनी है 30,000, 3 0 से 3 0 कट गए, क्या बचा, 2 upon 300, 2 under 2, 2 under 2, 1 5 10, 1/50, इसको 1/150 को आप कैलकुलेटर में डालेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई, वेट ऑफ रानी, वाओ, वेट ऑफ रानी इज 450 न्यूटन, रानी का वेट कितना है, 450 न्यूटन, किस पर, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। आपने मालूम करना है इसका मास, आपको बताएगा कि वेट आपको गिवन है, मास मालूम करना है, ग्रेविटी ऑन अर्थ कितनी होती है, 9.8 m/s². अभी हमने ऐसे बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें आपका वेट 60 न्यूटन दिया हुआ था। अच्छा जी, आपने मास मालूम करना है, ग्रेविटी को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएं, वेट से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आपने वेट की वैल्यू पुट करी 450 और ग्रेविटी की डाली 9.8, दोनों को कैलकुलेटर में डाला, आंसर क्या आ गया, 45.9 kg, ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास मास आ गया। ठीक है, आंसर आ गया आपका। अच्छा जी, अगला देखें, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट। आपको क्या मालूम करनी है, आपको स्पीड ऑफ सैटेलाइट मालूम करनी है। ठीक है, विच ऑर्बिट्स द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 400 km अबव अर्थ सरफेस। अच्छा भाई देखें, सबसे पहले तो आपने क्या मालूम करनी है, वेलोसिटी। ठीक है, आपसे क्या कहा गया है कि ज़मीन से कितने फासले पर है वो, जैसे ज़मीन है, ज़मीन से इतने फासले पर एक सैटेलाइट जा रही है, फासला कितना है, ये 400 km का है। सबसे पहले तो किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट कर दें, ये वाली इतनी लंबी छोड़ दें, आप लोग बस ये करें, 400 लिखें, किलो की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, 1000 × 10³, ये लिखें 400 × 10³। अच्छा जी, जी की वैल्यू आपके पास, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, एक होती है ग्रेविटी की वैल्यू और एक होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, 6.673 × 10⁻¹⁻ newton meter square per kilogram square। ठीक है, मास ऑफ अर्थ, ये भी आपके पास अंडरस्टूड सी वैल्यू है, और रेडियस ऑफ अर्थ, ये तीनों वैल्यूज़ आपको याद होती हैं अमूमन। ठीक है, ये आपके पास इसका फॉर्मूला है वेलोसिटी निकालने का। अब आपने क्या किया, आपने इसका ना वैल्यूज़ को पुट किया, सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपने कैलकुलेटर में इसका आंसर डाला, आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7.66 × 10³ m/s। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन है आप इसको भी कर सकते हैं, और इसी तरह से करिएगा कि पहले जो है वो आप 6.67 को मल्टीप्लाई करिएगा 6 से, ये आपके पास आंसर आ जाएगा,
उसके बाद फिर आप क्या कहते हैं 40 को डिवाइड करिएगा 6.8 से, आपके पास यह आंसर आ जाएगा। और 10 की पावर 6 को ऊपर ले जाइएगा, ये किस में हो जाएगी 10 की पावर -6 में। अब 10 की पावर -11, 24 प्लस का -6, ठीक है, इनको सॉल्व कर दें, इनका आंसर क्या आ जाएगा 10 की पावर 7, ठीक है। उसके बाद पॉइंट को एक डिजिट आगे ले आइएगा, ठीक है, आगे लाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 की पावर -1, 7 और माइनस को कर दें, 7 - 1 क्या हो जाएगा 10 की पावर 6, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने इसको सॉल्व किया, कैलकुलेटर में डाल के आंसर है 7.66। और यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो आप उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, हाफ, ठीक है, यानी कि 10 की पावर 6 और उसके ऊपर क्या आ जाएगा 1/2, सही है। इस 6 को इस 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा 6/2, 2 × 2, 2 × 3 = 6, तो ये 10 की पावर क्या हो गई 3, तो 7.66 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड आपके पास इसका आंसर आ गया। थोड़ी लेंदी कैलकुलेशन थी बट आसान थी, मैंने बिना कैलकुलेटर के भी सिखा दी और कैलकुलेटर के साथ जो है वो भी स्टेप बाई स्टेप भी बता दिया आप लोगों को, सही है। अच्छा भाई, अब उसके बाद हम आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। अ सिलेंडर कंटेन्स 600 cm³ ऑफ एयर, एक सिलेंडर है उसके अंदर कितनी एयर है, 600 cm³ आपके पास उसके अंदर एयर है, ठीक है। अच्छा जी, वॉट और प्रेशर कितना है, प्रेशर है 140 kPa, ठीक है। वॉट विल इट्स वॉल्यूम, आपको इसका वॉल्यूम बताना है, ठीक है। वॉल्यूम वन तो आपको गिवन है 600 cm³, आपको वॉल्यूम टू बताना है इसका, ठीक है। और आपके पास अगला प्रेशर टू कितना है, 4420 kPa। अच्छा, अब देखें दोनों वैल्यूज़ जो है ना वो किलो पास्कल में, तो इनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी अगर कर लें तो आपकी मर्जी है। अच्छा भैया, हमारे पास फार्मूला होता है P1V1 = P2V2, हमें क्या मालूम करना है, हमें V2 मालूम करना है, तो हम P2 को = के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आकर क्या होगा डिवाइड, तो फार्मूला नया क्या बनेगा, V2 = P1V1/P2। आपने इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट किया, 140 को मल्टीप्लाई करें 60 से क्या हो जाएगा 8400 N और डिवाइडेड बाय 420। उसके बाद आपने क्या करना है, 10 से 10 को कैंसिल कर दें, उसके बाद टेबल पढ़ लें, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 8, 2 × 2 = 4 और 0, क्या आ गया 420/21। कैलकुलेटर में वैल्यू डालें, आंसर आ जाएगा, क्या आंसर है 20 cm³, या आपके पास दूसरा वॉल्यूम होगा सिलेंडर का, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है, हाउ मच वर्क इज नीडेड टू मूव हॉरिजॉन्टली अ बॉडी 20 meters बाय अ फोर्स, कितनी आपको जो है वो वर्क करना पड़ेगा एक बॉडी को मूव करवाने के लिए हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब बॉडी 20 meters बाय अ फोर्स और एक बॉडी और आपको क्या दी हुई है, आपको उसकी लेंथ कितनी दी हुई है, 20 meters दी हुई है, ठीक है, जितना आपने उसको मूव करवाना है। दूसरा आपको फोर्स बताया हुआ है कितना लग रहा है, 30 newton, एंगल भी दिया हुआ है 60 degrees, आपको बताना है वर्क। वर्क का फॉर्मूला एंगल वाले केस में क्या होता है, FD cos θ। अगर उन्होंने एंगल नहीं दिया हुआ होता, उन्होंने सिर्फ आपको F और D दिया हुआ होता और वर्क मांगा होता तो आप फार्मूला लगाते FD, ठीक है। अच्छा जी, आपने क्या किया, आपने फोर्स का पुट किया 30 degrees का पुट किया, 20 cos θ का पुट किया 60 degrees, ठीक है। 30 को 20 से मल्टीप्लाई करें 600 आ गया, cos 60 को सॉल्व करेंगे 0.5 आ गया, 600 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें आंसर आ गया 300 joules, इतना वर्क जो है वो आपके पास होगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है आपके पास, अच्छा जी, अगला है अ बॉल ऑफ मास ऑफ 400 grams, एक बॉल है जिसका मास कितना है 400 grams। बेटा देखिए, सबसे पहले जब डेटा बनाएंगे ना तो एक चीज़ याद रखिएगा, बॉल का मास आपको किस में दिया हुआ, डेरिव यूनिट में, SI यूनिट नहीं है, 400 grams दिया हुआ आपके पास, SI यूनिट क्या होता है किलोग्राम, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, और कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। अच्छा भाई, स्ट्राइक्स द वॉल, एक बॉल थी आपने उसको फेंका, ठीक है, वो जाकर वॉल से टकराती है, दीवार से टकराती है, कि कितनी वेलोसिटी के साथ, 4 meters per second की, कितनी काइनेटिक एनर्जी जो है बॉल की उस टाइम लगी होगी बॉल की स्ट्राइक होने में दीवार के साथ, ठीक है। यानी कि आपने क्या करना, आपने क्या मालूम करना है, आपने मास मालूम करना है
400 ग्राम है, आप इसको कन्वर्ट करें किलोग्राम में, कैसे 400 को डिवाइड कर दें 1000 से, ठीक है। 400 को 1000 से डिवाइड करेंगे, 20 से 20 करके आप 4/10, 2 2 4, 2 5 10, 2/5 को कैलकुलेटर में डालेंगे, आंसर आ जाएगा 0.4 के जी। वेलोसिटी की वैल्यू है के ई, आपके पास आपको निकालनी है। फॉर्मूला होता है के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, मास की वैल्यू 0.4, वेलोसिटी की 4, पुट करी 4 का स्क्वायर क्या आता है 16। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें या ऐसे कर दें, 2 1 2, 2 2 4, 0.2, 0.2 को मल्टीप्लाई करें 16 से, आंसर आ जाएगा 3.2। और काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट जो होता है वो होता है जाउल। काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, या कोई सी भी एनर्जी हो, एनर्जी की यूनिट आपके पास क्या आते हैं, एनर्जी की यूनिट आपके पास जाउल्स आते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद इफ़ LED स्क्रीन ऑफ मास 10 kg इज लिफ्टेड अप, अगर आपके पास एक चीज़ है उसका मास कितना है 10 kg है, उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट किया जा रहा है, कीप इट ऑन अ कबर्ड ऑफ हाइट 2 meter, और कितनी हाइट है 2 meter हाइट है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। आपने क्या मालूम करनी है, आपने पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है, ठीक है। अच्छा जी, जो हमारे पास स्टोर हुई भी होगी। अच्छा, अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने देखा था, क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम जी एच, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपल मास की वैल्यू लिखें, जी के लिखें और एच के लिखें, 20 20 20 20 और 2 200, आपके पास आंसर आ गया, ठीक है, 200 joules। अच्छा, ऐसे पूरा जाउल मत लिखना, जस्ट जे लगाना, ठीक है, जस्ट डे लगाना, ये मत लिखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ मशीन। आपने क्या करना है, पावर मालूम करनी है एक मशीन की, अगर मशीन कितना वर्क करती है 900 joules का, कितने टाइम में, 30 minutes में। मिनट्स में सेकंड्स में जाने का तरीका क्या होगा कि 30 को मल्टीप्लाई कर दें 60 से, तो ये कन्वर्ट हो गया किस में, सेकंड्स में। अगर यहाँ पे आर दिया हुआ होता ना, यानी 30 hours लिखा हुआ होता, तो मैं आंखें बंद करके 30 को मल्टीप्लाई कर देती 3600 से, ठीक है। लेकिन मिनट्स की बात है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 60 से। फार्मूला होता है P इज इक्वल टू W/T, W कितना है 900, T कितना है 1800, 20 से 20 कटे, 9 1 9, 9 2 18, 1/2, इसको कैलकुलेटर में डालते हैं तो आंसर आता है 0.5, आपके पास जो है वो क्या है, पावर है। और ये जो है ना W, इसको कहते हैं वॉट, ये इसका यूनिट है वॉट। अच्छा जी, उसके बाद है इफ द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन इज 70%, एक मशीन है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, उसकी एफिशिएंसी है 70%, और उसका आउटपुट यानी वो कितना काम करके देती है 100 joules का, तो आपने क्या मालूम करना है, उसका इनपुट। यानी कि आपके पास एक फार्मूला होता है, ये N का सिंबल किसको शो करता है, एफिशिएंसी को, एफिशिएंसी को शो करने के लिए हम किसका सिंबल यूज़ करते हैं, ऐसे N का। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपके पास आउटपुट, आउटपुट को हम शो करते हैं किससे, E2 से, जैसे यहाँ पे किया हुआ E2 इज इक्वल टू 100 joules डिवाइडेड बाय इनपुट, इनपुट को शो करते हैं E1 से, जैसे यहाँ पे किया हुआ, और मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू E2/E1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है। आपने वैल्यूज़ को पुट किया। अच्छा जी, आपको चूँकि E1 निकालना है तो E1 को यहाँ ले जाएँ, ठीक है, और 7 E1 वहाँ जाएगा आपके पास, ठीक है, E1 को वहाँ ले जाइएगा आप लोग, और 70 को इस तरफ भी आइएगा, तो ऐसे E1 उधर जाएगा, 70 इधर आ जाएगा, 100 से 100 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 10,000, 10 से 10 कट गया, 1000 को 7 से डिवाइड करें, आपके पास आंसर क्या आएगा, 142.85 joules, ठीक है। कैलकुलेट द पावर, आपने पावर मालूम करनी है ऑफ अ मशीन, एक मशीन की जो कितना काम करती है 40 joules का, टाइम कितना है 10 seconds, वही बात है, फार्मूला क्या लगेगा, पी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम का, ठीक है। वैल्यूज को पुट करें, 40/10, 10 से 10 कट गया, ऊपर बचा 4 watt, आपके पास इसका आंसर आ गया। कन्वर्ट 30 centigrade इंटू केल्विन एंड फेरेनहाइट स्केल, कन्वर्ट 212 फेरेनहाइट इंटू सेल्सियस एंड केल्विन। भाई आपको दो वैल्यूज दी हुई, एक दी हुई 30 centigrade
और एक आपको क्या दी हुई है 212 फ़ारेनहाइट। जो सेंटीग्रेड वाली वैल्यू है ना इसको कह रहे हैं केल्विन और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें, और जो फ़ारेनहाइट वाली वैल्यू है उसको कह रहे हैं सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्ट करें। भाई देखें, कोई भी वैल्यू हो उसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम बात करते हैं 30 सेंटीग्रेड की, अगर मुझे इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है ना तो मैं इसके अंदर क्या ऐड कर दूँगी, मैं पहले लिखूँगी केल्विन इज़ इक्वल्स टू 30 प्लस इसके अंदर किसको ऐड करूँगी 273 को ऐड कर दूँगी, तो जो मेरे पास आंसर आएगा ना वो मेरे पास क्या होगा केल्विन में होगा। जैसे यहाँ पर 303 केल्विन, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमने सेंटीग्रेड को 30 सेंटीग्रेड को बहुत आराम से किस में कन्वर्ट कर लिया है, केल्विन में, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एफ इज इक्वल टू सी उसके बाद 1.8 प्लस 32। सी की जगह पे आप क्या लिखेंगे, सेंटीग्रेड है ना, ये सेंटीग्रेड आपके पास, ठीक है। इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई बाय 1.8 प्लस 32। इसको कैलकुलेटर में डालें, अप्रोजाइज माई राइटिंग। अच्छा भाई, कैलकुलेटर में डालें, आंसर क्या आ जाएगा 86 फ़ारेनहाइट, ठीक है। दूसरा, अब आपसे कहा गया था 212 को सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में केल्विन में कन्वर्ट करें, ठीक है। अगर आपको इसको सेंटीग्रेड यानी कि सेल्सियस मतलब सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो आपके पास यही वाला फार्मूला होगा जो आपके पास ऊपर था, ये वाला। लेकिन अब आपने क्या करना है, सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो अब आप इसको थोड़ा सा रिवर्स करेंगे, ये आपके पास हो जाएगा C इज इक्वल्स टू 1.8 फ़ारेनहाइट माइनस 32। फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या है 212, इसको यहाँ पे पुट करें, आंसर निकालें, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 369.6 सेंटीग्रेड, ठीक है। केल्विन में करना है तो अगेन 273 को ऐड कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा केल्विन में। केल्विन में करने का तरीका सबसे आसान तरीका होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले से आपको क्या करना आ गया, आपको किसी भी चीज़ को केल्विन, सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट, इन तीनों में कन्वर्ट करना आ गया है। अगला देखें, द थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 50 ग्राम्स ऑफ वाटर, 50 ग्राम्स वाटर है आपके पास, ठीक है। आपसे कहा गया है कि 50 ग्राम को पहले तो आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। आपको कहा गया है इसका टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड से 70 सेंटीग्रेड होता है, मतलब T1 कितना है 40 सेंटीग्रेड, T2 कितना है 70 सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर आपको मैं बोलूँ चेंज इन टेम्परेचर निकालो तो आप लिखेंगे डेल्टा T इज़ इक्वल टू T2 माइनस T1, ठीक है, जो आपने यहाँ पे करके निकाला, जो क्या आया 30 केल्विन, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास डेल्टा क्यू कितना है 6300 जूल्स जो आपको यहाँ पे गिवन है। आपने क्या मालूम करनी है, आपने मालूम करनी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। फार्मूला होता है सी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। डेल्टा क्यू की वैल्यू को पुट करें, एम की पुट करें और डेल्टा टी की, आंसर आ गया आपके पास 4200 जूल्स केजी पर केल्विन। और बेटा वैसा अगर आपको पता हो कि वाटर जो होता है ना सबको बताएगा, अंडरस्टूड सी बात है, अगर मुझे पूरा न्यूमेरिकल ये सारा डाटा ना भी दिया होता और मुझसे पूछा जाता वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है तो मैं वैसे ही बता देती कि 4200 जूल्स है, क्योंकि सब हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा भाई, अब आपके पास है एक और न्यूमेरिकल, सेकेंड लास्ट है। 2 kg ऑफ कॉपर रिक्वायर्स 2050 जूल्स ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 10 सेंटीग्रेड। भाई आपको मास दिया हुआ है, डेल्टा क्यू दिया हुआ है, आपको बताया हुआ है कि टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड है, सही है, जिसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे 273 से ऐड करके, आपको उसकी सी मालूम करनी है, यानी कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू एम डेल्टा टी। देखिए इसमें फार्मूला गलत है, ये वाला फार्मूला लगाइएगा, वहाँ पर फार्मूला गलत लिखा हुआ है, तो जब आप ये वाला फार्मूला लगाएंगी C इज़ इक्वल्स टू, थोड़ा सा और इसको शॉर्ट कर दूँ ताकि मुझे डाटा नज़र आए, C इज़ इक्वल्स टू डेल्टा Q M डेल्टा T। भाई डेल्टा Q की वैल्यू क्या है मेरे पास 2050,
एम की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, डेल्टा 2 टी की क्या है 283। ये पूरे डाटा ये गलत है सवाल कैलकुलेशन, आपने डाटा डालना है इसका जो आंसर आएगा वही आपके पास क्या होगा इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। अब आपने मुझे बताना है कमेंट में कि आपके पास न्यूमेरिकल इस न्यूमेरिकल का क्या आंसर आया। ठीक है, अगला देखें न्यूमेरिकल नंबर 49। अ कॉपर रॉड 15 मीटर लॉन्ग, एक कॉपर रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है 15 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, उसको आपने हीट किया तो उसका टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड से यानी T1 से कन्वर्ट हो गया T2 पर जो कि 85 सेंटीग्रेड है। सबसे पहले इसका डेल्टा T निकाल लें, कैसे निकालेंगे T2 माइनस T1 इसके इक्वल आ गया 55 सेंटीग्रेड। अब आपने क्या है आपको क्या मालूम करना है चेंज इन लेंथ यानी कि डेल्टा L मालूम करना है चेंज इन लेंथ। द कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशेंट आपके पास कितना है 1.17 × 10⁻¹⁶। फार्मूला होता है आपके पास डेल्टा एल जो कि आपको मालूम करना है इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी। आपके पास एल की भी वैल्यू, डेल्टा टी की भी और कोफिशियंट की भी, तीनों की वैल्यू उसको पुट करें कैलकुलेटर में आंसर निकालें क्या आ गया 0.014 मीटर। ये आपके पास इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे पूरी बुक से, आपको ये सारे फार्मूलाज अपने पास लिख लेने हैं। ठीक है, कोई एक बच्चा या सारे बच्चे जो भी वीडियोज़ को देख रहे हैं वो इन न्यूमेरिकल्स को लिखें और लिखने के बाद जो है वो मिसस्तानी के नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। आई विल अपलोड दोज फार्मूलाज ऑन यूट्यूब। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अच्छी अच्छी तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए, पेपर नज़दीक हैं, अच्छे ग्रेड्स लाएँ, अपने जो भी है माँ बाप के पैसे जो आपके वालदैन ने आपकी स्टडी पर लगाए हैं उसको हलाल कीजिए। ठीक है।